हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का, आज मैं 10:30 बजे उठा, अभी 11 बज रहा है। यार बाहर पे लोग बच्चे को खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, बड़ा मन करता है खेलने का, लेकिन खेल ही नहीं सकते, इतना दूर कहाँ से जाऊँगा, है ना। तो एक नाश्ता वास्ता करके हो गया, और अभी हमें को जाना है बाहर शूट करने के लिए, मेन चैनल के लिए। तो मेन चैनल के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मिर्चिया ब्रुज साइड जाएंगे, आंकरा साइड है, बहुत दूर है यहाँ से, मतलब 20-30 किलोमीटर है। तो वहाँ पर निकलने के लिए अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस नहा दोगे, एकदम रेडी हो गया, ब्लैक शर्ट पहन लिया, ब्लैक चश्मा लगाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। 3 बजे पहुँचना है, 2:30 बजे निकल रहे हैं। 35 किलोमीटर, अरे कितना टाइम लगाती है। गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है यार, साफ करें। तो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे, और मेरे गोप्रो में हो गई थी बैटरी ख़त्म, तो ब्लॉग व्लॉग कभी, मतलब इनका जो अभी काम है वो चल रहा है, और अपना जो ब्लॉग है वो चालू है। यहाँ पर देखो पूरा वो है, लेक वेक है यहाँ पे, यहाँ पर बहुत सारे लेक होते हैं, तो अभी अपने यहाँ गाड़ी वाड़ी देख लेते हैं। तो गाइस हम लोग अभी वहाँ से निकल आए, और पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और फ़ोन में चार्ज देखो ओनली 1% रह गया है, और हम लोग को भी मार्केट जाना है सब, तो हम लोग यहाँ से निकलते जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम लोग अभी आ गए हैं कहाँ पे, कहाँ पे आए हैं, घोड़िया हाट आए हैं, घोड़िया हाट यहाँ पर आए हैं। बाइक वाइक यहाँ लगा दी हमने, 10 रुपये घंटा चार्जिंग, मतलब पार्किंग करके है, और यहाँ पर मार्केट तो है, काफ़ी शांत लग रहा है आज तो, अभी भूख लग रही है, हम लोग खाना खा ले चल के, भूख लग रही है यार, है ना। ओए देखो मैजिक, तीनों के लिए कितना होगा, 150 रुपया होता है, 150 रुपये अंडे इसको जब उठाएगा ना, जब मैं छोटा था ना दिल्ली में तब खरीदे थे, सेम था। अच्छा, कार्ड में एक था और ये भी था। अच्छा, कार्ड को आता ना वो जब उठाएगा ना, इसके अंदर कार्ड गिर जाएगा, अब इधर पकड़िए, इधर अंगली भी इसको पकड़ के हल्के से ये करेगा, दंगली हटा देगा एकदम हल्की से, बिक जाता है आपका, ये सेल हो जाता है उल्टा। घोड़ी हाट में अभी आदमी बहुत कम है, बहुत कम है, पकड़ेंगे। न्यू मार्केट में जाओ ना, न्यू मार्केट में क्या था, न्यू मार्केट नीचे न्यू से करने जो वाइट आएगा, ऊपर से करने একদিন গিয়ে দেখো তোমার যেখানে ভালো লাগে। আচ্ছা, মেইন মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিউ মার্কেট, ওই তোমার মেইন মার্কেটটা যেখানে লেডিস গার্মেন্টস পাওয়া যায়, ওখানে বাচ্চা ওখানে অনেক আসে, তোমাকে দেখাতে হবে করে করে, মানে এই যেমন তোমাকে এসে জিজ্ঞেস করলে সবাই কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে না, তোমাকে ওই করতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি করতে হবে, মানে ম্যাজিকের মতো ওগুলো, যাতে লোকে বুঝতে পারে। আমি হাওড়া। कितना दिया आपने? नहीं, आपको कितना दिया मैजिक? 3 और एक कहाँ? अच्छा, एक गिर। न्यू मार्केट में लगाओगे ना, वहाँ बहुत कल बहुत भीड़ है, यहाँ तो मैं आया ना तो यहाँ तो लगा ही नहीं, मैंने इनको यही बोला कि यहाँ तो भीड़ है ही नहीं, बहुत खाली है। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, और मैं और जैनी निकल रहे घर की तरफ, यहाँ पर आज ज़्यादा भीड़ नहीं है तो अच्छी बात है,
10 रुपये एक घंटा का होगा, लेकिन शायद 2 घंटे हो गए होंगे हम लोग को। तो अभी आते हम लोग घर पे, न्यू मार्केट जाने का प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया क्योंकि 8 तो बजी गया है, तो जाने का मतलब नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तो जैनी जैसे आते हैं हम लोग निकलते हैं, मैं घर पर ही मिलता हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है। सो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं, अभी चेंज वेंज कर लिया मैंने जैनी ने, और हम लोग वही अंकल से मिले थे, काफ़ी मुझे बुरा लग रहा था एक्चुअली, काफ़ी देर से वहाँ खड़ा था, जैनी वीडियो बना रही थी ना, तो बेचारे ऐसे ही दिखा रहे थे लोगों को, लेकिन लोग कोई देख नहीं रहा था और ना ही खरीद रहा था कोई। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा एज है उनकी, मतलब ये सब काम करने के लिए बहुत है। हाँ वही मैंने, एज बहुत ज्यादा है उनकी, तो इसके लिए तो मैं गया उनका कि क्या है, मुझे लगा रोज बेच रहे हैं, लेकिन फिर देखा तो वो मैजिक ट्रिक्स बेच रहे थे जो मैं बचपन में यूज करता था, पहले दिल्ली में था ना तब यूज करता था, तो फिर मैं चलो खरीद ही लेते हैं, और ज्यादा पैसे भी नहीं मांग रहे तो खरीद ही लेते हैं। तो मैंने खरीद लिया उनसे, और उनसे बात बात भी की, उनको बोला कि न्यू मार्केट में जाओ क्योंकि न्यू मार्केट में ज्यादा भीड़ रहती है और यहाँ कम भीड़ रहती है, तो यहाँ लोग वैसे भी देखते नहीं, यहाँ पर सिर्फ लेडीज आते हैं क्योंकि लेडीज का मार्केट है वहाँ पर, क्या ना पूरी फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, जेंट्स का भी मार्केट है, तो भीड़ भी नहीं रहती ना यहाँ ज्यादा, भीड़ नहीं, और ये ना कॉम्पैक्ट है, सिर्फ गली गली में है, और न्यू मार्केट क्या पूरा खुला है बहुत, न्यू मार्केट प्योर मार्केट है, वो रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, और ये रास्ता फुटपाथ है, ये फुटपाथ में तो अगर लगाएंगे ना वहाँ पे कम से कम 2-10-12 तो बिक ही जाएंगे आराम से उनके, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, और वहाँ पर काफी सारे अच्छे यंग पीपल भी आते हैं जो सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, राइट। हाँ काफी ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं, वो बिना मतलब भी खरीद लेंगे, तो ऐसा उनको सजेस्ट किया हमने, तो वो बोले कि हाँ चलो अब मैं उधर जाऊंगा, ऐसा बोला उन्होंने, तो होपफुली बस उनका हो जाए। और अगर आप लोगों को कहीं अगर आप देख रहे हो, अगर उनको न्यू मार्केट में अगर आपको दिखते हैं, तो जरूर एक बार ना कुछ खरीद ही लेना, ठीक है, चाहे भले ही आपके पास कम पैसे हो, लेकिन खुशी के अगर किसी के लिए करोगे ना तो अच्छा लगता है, खुशी लगती है, वो ऐसा नहीं लगता कि यार पैसे चले गए वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं लगता, एजेंट लोगों से खरीद लिया करो यार, है ना। सो भाई खाना खाने का टाइम हो गया, तो डिनर कर लेते हैं, डिनर में आज मैं वही जो आलू बिरयानी लेके आया था वही खाऊंगा मैं, और जैन रोटी और जो सुबह जो आफ्टरनून में चिकन मटन, ठीक है। तो अभी खाना वाना खा के हो गया है, और अभी रात का कितना बज रहा है जैनी, शायद 12:30 बजे, तो मेरा आधा ब्लॉग एडिट हो गया है, और ये मैं ब्लॉग के एंड करता हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगा, और दोबारा कहूँगा यार अगर कोई आपको ऐसा दिखता है ना कि जिसको हेल्प की ज़रूरत है, एजेड लोग हैं या फिर वो कुछ सेल वेल कर रहे हैं, तो बिना मतलब थोड़ा बहुत खरीद लेने का उनसे यार, कि आपकी वजह से किसी का पेट भर जाएगा किसी घर से, किसी को शौक नहीं होता है इतनी उम्र में काम करने का, ठीक है सिर्फ मजबूरी है जो करवाती है, बट प्लीज़ कर लेना, बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप सक्षम हो करने के लिए तो आप करना। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।